नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा वर्मा। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। रूस का जंग खत्म करने का इरादा नहीं, रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोले, नाटो की मदद से विश्व युद्ध का खतरा, यूक्रेनी सरकार को हटाना जरूरी। अमेरिकी राज्य वर्मोंट में बाढ़ की वजह से इमरजेंसी, दो दिन में हुई दो महीने की बारिश, 41,000 करोड़ तक के नुकसान की आशंका। दिल्ली की गीता कॉलोनी में महिला का शव मिला, फ्लाईओवर के आसपास बिखरे थे टुकड़े, एक बैग में कटा हुआ सर, बाकी अंग दूर पड़े मिले। उत्तराखंड पंजाब समेत 5 राज्यों में भारी बारिश, 4 दिन में 100 मौतें, कुल्लू में बाजार बहा। दिल्ली में 10 साल बाद यमुना का वाटर लेवल सबसे ज्यादा। भोपाल के टीटी नगर थाने में युवक को नग्न कर पीटा, फोटो भी हुए वायरल, पीड़ित की पत्नी ने पुलिस कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार। 15वें विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, हुक्का बार बैन, तंबाकू से बने उत्पाद के विज्ञापन प्रकाशित नहीं होंगे, संशोधित विधेयक हुआ पास। शुक्रवार को जारी हो सकता है एशिया कप का शेड्यूल, आईपीएल चेयरमैन धूमल बोले, न टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी, न ही हमारे सचिन। भारत वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट आज से, कैरेबियाई टीम पर लगातार 9वीं सीरीज जीत का मौका, डेब्यू करेंगे यशस्वी जायसवाल। तमन्ना भाटिया ने एयरपोर्ट पर किया पैपराजी के साथ डांस, कवा लगाने पर लगाए ठुमके, मूव से फैंस ने की तारीफ। फिल्मों से ब्रेक ले सकते हैं साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय, पॉलिटिकल एंट्री से पहले तमिलनाडु की पदयात्रा का प्लान।